الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الأنبياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى ونذو الموازين القسط ليوم القيامة وبه قال حدثنا أحمد بن أشكاب قال حدثنا محمد بن فضيل عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وعنهم وعنا قال قال النبي صلى الله عليه وسلم كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم انسان کی زندگی بڑی تیزی سے گزرتی چلی جا رہی ہے۔ ایک وہ لمحات تھے کہ جب اسی مقام پر اور اسی ادارے میں آپ کے سامنے آپ کی موجودگی میں اس کتاب مبارک کا آغاز ہو رہا تھا افتتاح بخاری کے نام سے، اور آج وہ دن کہ اسی مقام پر اسی جگہ آپ کے سامنے آپ کی موجودگی میں اسی مبارک اور بابرکت کتاب کا اختتام ہو رہا ہے، تکمیل کو پہنچ چکی ہے کتاب۔ درمیان میں جو عرصہ گزرا ہے پڑھنے کا اور سننے اور سمجھنے کا، تو اللہ تبارک و تعالی ان لمحات کو، ان گھڑیوں کو، ان اوقات کو جس میں ہم نے اس کتاب کو پڑھا ہے اور سنا ہے اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت سے نوازیں، اور جو کچھ ہم تک پہنچا ہے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اس کتاب مبارک کے ذریعے سے، اللہ تبارک و تعالی اس پر عمل کرنے اور اسی کے مطابق زندگی گزارنے کی ہمیں توفیق بخشے۔ چونکہ یہاں پر عالمات بھی موجود ہیں، اسی ادارے کی قابل قدر مدرسات بھی موجود ہیں، تو صاحب علم ہیں، تو جہاں صاحب علم یہاں پر موجود ہیں تو وہاں پر عوامی اجتماع بھی زیادہ ہوتا ہے، کثرت سے خواتین راستے میں آتے ہوئے دیکھی ہیں جو مدرسے کے دروازے سے اندر داخل ہو رہی تھیں۔ تو اس لیے یہاں پر جو گفتگو ہوتی ہے اس میں کوشش ہی ہوتی ہے تاکہ ایسا اختتام بخاری شریف کا ایسے انداز سے کیا جائے کہ جو عام فہم ہو، اور سامعین میں سے، سامعات میں سے آنے والی یہاں پر ہر خاتون آسانی سے سمجھ سکے۔ پہلی بات تو یہ سمجھنے کی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہماری ہدایت کے لیے، صراط مستقیم پر چلنے کے لیے جو انعامات اور احسانات فرمائے ہیں ان میں سے دو انعام بہت بڑے ہیں، دو تحفے بہت بڑے ہیں، اور انہی کو قبول کرتے ہوئے انہی کے مطابق زندگی گزارنے والے کو ہی راہ ہدایت پر اور صراط مستقیم پر قائم رہنے والا کہتے ہیں۔
पहला एहसान अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया, हम पर इनाम फरमाया कि अल्लाह तबारक व तआला ने अपना कलाम कुरान हकीम की सूरत में हमें अता फरमाया। दूसरा एहसान ये फरमाया कि अल्लाह तबारक व तआला ने हमारे सामने ज़िंदगी गुजारने का ढंग, तरीका और सलीका सिखाने के लिए अपने महबूब जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेजा। इससे कबल भी अम्बिया अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाते रहे, अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से राय हिदायत की तरफ इंसानियत को लाने के लिए किताबें भी नाजिल होती रहीं, लेकिन जो मज़ाहिब दुनिया में मौजूद हैं उनमें से वो मज़ाहिब जिनके पास किताब मौजूद है आसमानी, और जो अपने आप को किसी नबी का पैरोकार कहते हैं या नस्बत और ताल्लुक़ रखते हैं किसी अल्लाह के साहिब किताब पैगंबर के साथ, उनमें से दो बड़े मज़ाहिब हैं, यहूद हैं और नसारा हैं। लेकिन देखा जाए तो यहूद के पास न तो अल्लाह की भेजी हुई किताब सही और दुरुस्त हालत में मौजूद है और न ही उनके पास अपने पैगंबर, अपने रसूल की ज़िंदगी महफूज है ताकि उसको देखकर वो अपनी ज़िंदगियों को ढाल सके उसी के मुताबिक। उनके पास न तो किताब महफूज रही, नहीं अपने नबी की सीरत और ज़िंदगी महफूज रही। ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का हम पर एहसान है कि अल्लाह तबारक व तआला ने जो किताब, जो कलाम कुरान करीम की सूरत में हमें अता फरमाया, ता क़यामत उसकी हिफाजत का ज़िम्मा भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ख़ुद ले लिया। जिस अंदाज से, जिस लब व लहजे में, जिस तरतीब से और जिस तरीक़े पर क़ुरान हकीम का नुज़ूल हुआ था 23 साल के अरसा में जनाब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, आज भी उसी लबो लहजे में, उसी अंदाज में, उन्हीं हरूफ के साथ वो अल्लाह की किताब हमारे पास महफूज और मौजूद है। दूसरी चीज़, जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक ज़िंदगी कि उसी के मुताबिक हमने अपनी ज़िंदगी को ढालना है, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी को भी महफूज कर दिया अफराद के ज़रिए से। और फिर जिन लोगों ने जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तैयबा को, आपकी सीरत को, आपकी मुबारक ज़िंदगी को, आपके शब व रोज़ के आमाल को आगे की तरफ पहुंचाना था, जिनके ज़िम्मे ये काम लगाया गया, अल्लाह तबारक व ताला ने उन अशखास और उन अफराद की ज़िंदगियों की तारीखों को भी महफूज कर दिया। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सहाबे कराम जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी का नक्शा उम्मत के सामने पेश करते हैं, जिनसे हम कहते हैं कि अहादीस मरवी हैं, उनकी तादाद तकरीबन 7,500 बनती है। अब उन 7,500 सहाबे कराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम, उनकी पूरी ज़िंदगी की तफसीलात को भी महफूज कर दिया गया ताकि कोई एतराज़ कर न सके, कोई उंगली उठा न सके, किस कबीले से ताल्लुक़ था, किस सन में, किस ज़माने में ईमान लाए, कितनी उम्र पाई, कहाँ कहाँ का सफ़र किया, कहाँ पे वफात हुई, कहाँ उनकी कब्र मुबारक है, पूरी तफसीलात बयान करना। और फिर सहाबे कराम ने उनके बाद सहाबे कराम से रिवायात को लेकर आगे उम्मत तक पहुंचाया, तो उन रावियों की ज़िंदगियों को भी महफूज कर दिया गया ताकि पता चले कि ये रावी जो हदीस शरीफ की रिवायत कर रहे हैं, जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक ज़िंदगी का नक्शा दुनिया के सामने पेश कर रहे हैं, तो क्या इनकी मुलाकात भी किसी सहाबी से हुई है कि नहीं हुई, जिससे रिवायत बयान कर रहे हैं उनकी ज़िंदगी में ये मौजूद भी थे या नहीं, और थे तो इनकी उम्र क्या थी,
और उम्र भी थी, तो क्या इनका मिजाज क्या था, क्या कभी किसी ने इनकी तरफ झूठ की नस्बत तो नहीं की, इनके अखलाक क्या थे, इनका अपना रहन सहन क्या था, इनका अपना तर्ज गुफ्तगू क्या था, ये अपनी ज़बान पर किस हद तक महारत रखते थे, यानी पूरी मालूमात को महफूज कर दिया गया। और उन लोगों ने कमाल कर दिखाया। अब यहाँ पर तफसील का तो मौका नहीं, इशारे में करता हूँ थोड़े से, कि उन लोगों ने जो हदीस शरीफ को रिवायत करने वाले हैं, कैसे कमाल के लोग थे वो। उनमें से एक रावी हैं, बड़े मशहूर हैं, इमाम बुखारी के उस्तादों के उस्ताद हैं, वो खुरासान से चलते हैं शाम की तरफ, दिमश्क की तरफ आते हैं हुसूल इल्म की खातिर, इल्म हासिल करने के लिए अपने वतन से रवाना होते हैं। पैदल सफ़र था, सवारी भी पास नहीं थी, पैदल सफ़र करते हैं और दिमश्क आते हैं। ये सफ़र उनका 3 महीने में तय होता है, 3 महीने सफ़र तय किया। अब आप अंदाज़ा लगाएं कि जो मुसाफिर 3 महीने मुसलसल चलता रहा हो, उसकी थकावट का क्या आलम होगा। हम तो हवाई जहाज़ में सफ़र करने के बाद भी थक जाते हैं, 2-3 दिन हमें आराम के लिए चाहिए होते हैं। जो पैदल सफ़र करके जा रहा है और 3 महीने का सफ़र, भारत और दिमश्क पहुँचे। जब दिमश्क में पहुँचते हैं, अपने सामान को खोलते हैं, अपने बिस्तर को खोला, अब पहुँच गए, अब यहाँ पर इल्म हासिल करना है, उस्तादों के पास हाज़िरी देनी है, तो बिस्तर को खोला तो उसमें से कलम मिल गया है। कलम, आजकल तो पेन है ना, स्याही वाले ज़माने में कलम होते थे, जो स्याही में डिबो कर जिससे लिखा जाता था, वो कीमत हम तो पता नहीं मिलते होंगे या नहीं, बल्कि वो तो खुद घड़े जाते थे, अपने हाथों से बनाए जाते थे, कोई इतनी कीमत वाली चीज़ नहीं होती थी। कोई भी काना ले लिया और उसको चाकू छुरी से उसका कत बना दिया, बस कलम तैयार है, लिखना शुरू कर दो। तो कलम जो है वो बिस्तर में पड़ा है। याद आया कि खुरासान में मैंने अपने एक साथी तालिब इल्म से कलम उधार लिया था, उससे मांगा था कि मुझे लिखने के लिए ज़रा कलम दिखा दो। उसने मुझे कलम दिया था, ये तो मैंने वापस करना था और गलती से मेरे साथ आ गया। बिस्तर बांधा, सामान को दोबारा पैक किया, कलम उसमें रखा, दोबारा खुरासान का सफ़र शुरू कर दिया और 3 महीने लगाकर दोबारा खुरासान पहुँचे और सीधा अपने उस दोस्त के दरवाजे पे जाते हैं, कहते हैं भाई जान मैं भूल गया था या आपका कलम मेरे पास रह गया था। उसने कहा कहाँ से आ रहे हैं? उसने कहा दिमश्क से आ रहा हूँ। उसने कहा 3 महीने का सफ़र? उसने कहा 3 महीने की बात नहीं है, लेकिन बात यह है कि अमानत में खयानत ना हो जाए। तो ऐसे लोग थे जिनका इंतखाब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया, जो इतनी एहतियात करने वाले हैं, तो वह हदीस शरीफ में भी इससे बढ़कर एहतियात किया करते थे ताकि उनसे गलती ना हो। और साथ में यहाँ पर यह भी अर्ज़ करूँ कि आपने भी चूँकि हदीस शरीफ पढ़ी है और आगे आपने भी हदीस शरीफ के हवाले से ही बात करनी है लोगों के सामने या अपने शागिर्दों के सामने, तो हमें भी चाहिए अपने अंदर वो सिफात पैदा करें जो उन रावियों की सिफात थी। और फिर जब अपने अंदर हम सिफात पैदा करेंगे वो, तो फिर ये भी देखें कि अल्लाह तबारक व तआला ने उन लोगों को कैसे नवाज़ा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बड़े कदरदान हैं, बड़ी कदर फरमाते हैं। थोड़ा सा बंदा अगर मुतवज्जे हो जाए, अदब इख्तियार कर ले, तकवा को इख्तियार कर ले, तो अल्लाह तबारक व तआला नवाजते हैं। फरमाते हैं कि एक मरतबा मामून रशीद, जो अब्बासी खलफा में से बड़ा मशहूर खलीफा है, बगदाद का वो हुक्मरान था, खलीफा था, वो अपने महल में बैठा हुआ था अपनी बीवी के साथ। तो उसने अपना एक नुमाइंदा, अपना एक कासिद भेजा, अपने किसी वज़ीर को बुलवाया उसके ज़रिए से कि फ़लाँ वज़ीर को बुला लाओ। मोबाइल फ़ोन का ज़माना तो नहीं था, नहीं BTCL का निज़ाम था कि फ़ोन कर लेते, उसको बुला लेते, बंदा भेजा कि जाओ उसे बुला कर ले आओ। चुनाचे वो कासिद गया और उसने काफ़ी देर लगा दी, काफ़ी टाइम लगा दिया। जब वो वापस आया तो बादशाह ने कहा, मामून रशीद ने पूछा
कि गया तो इतना दूर नहीं था दूर, लेकिन इतना टाइम क्यों लगाया तुमने, कहाँ चले गए थे? उसने कहा बादशाह सलामत ना पूछो, गली कूचों में गुजरने का रास्ता ही नहीं मिल रहा था, इतना रश है और इतनी भीड़ लगी हुई है गलियों में कूचों में, बाजार बंद हैं, मंडियां बंद हैं, मार्केटें बंद हैं, सारे लोग गलियों और बाजारों में। बादशाह हैरान हुआ कि क्या हुआ, कौन सा ऐसा वाक्य पेश आया कि लोग सब कुछ कारोबार छोड़कर गलियों में आ गए, बाजारों की तरफ और रोडों की तरफ आ गए, आखिर वजह क्या है? तो उसने कहा जी हजरत बात यह है कि एक बुजुर्ग हस्ती तशरीफ लाए हैं हमारे यहाँ बगदाद में आए हैं, तो ये सारे लोग उनका दीदार करने के लिए कारोबार को छोड़ के बंद करके चल पड़े हैं, एक नज़र देखना चाहते हैं, कोई मुसाफा करना चाहता है, कोई उनसे दुआएं लेना चाहता है, तो सारा शहर उमड़ पड़ा है उनकी तरफ। बादशाह ने कहा वो कौन है? उसने कहा कि लोग उसे अब्दुल्लाह के नाम से जानते हैं, बहुत बड़े मुहद्दिस हैं, बहुत बड़े अल्लाह वाले हैं, वो हमारे यहाँ हमारे शहर में आ गए, तो सारे लोग उनके लिए गलियों में आए हुए हैं, जमा हैं मिलने के लिए। बादशाह से कहने लगा वो कासिद कि बादशाह सलामत आपको शायद मेरी बात पे यकीन ना आए, आप ज़रा ऊपर चढ़ जाए ना अपने महल के बालाखाने पर और ऊपर से नज़ारा करें, वहाँ से तो शहर नज़र आता है, आप खुद देख लीजिए। चुनाचे बादशाह महमूद और रशीद अपनी बीवी को साथ लेकर ऊपर चढ़ता है बालाखाने पर, और जब नज़र दौड़ाकर देखा तो ऐसा लगा कि सारा शहर एक मैदान बन चुका है और हर तरफ सर ही सर इंसानों के नज़र आ रहे हैं। और बीवी ने उस मौके पर बादशाह से कहा महमूद रशीद से कि महमूद हकीकी बादशाह तो वो है जो ज़मीन पर है इस वक्त, लोग देखे मोहब्बत की वजह से काम कारोबार छोड़कर सारे एक नज़र देखने के लिए उस तरफ भागे चले जा रहे हैं, जबकि आप भी तो दो दिन पहले सफ़र करके वापस आए हैं, आपका इस्तकबाल करने वाला तो कोई नहीं था, आपके तो सिर्फ सरकारी लोगों ने इस्तकबाल किया, आपके लिए किसी ने कारोबारों को बंद नहीं किया था, तो हकीकी हुक्मरानी तो उन लोगों की है जो दिलों पर हुकूमत कर रही है। भारत और बादशाह ने तीन दिन तो देखा और फिर वो ख़तरा महसूस करने लगा, हुक्मरान जो होते हैं डरते बहुत हैं। उसने कहा जब सारा शहर उसके साथ है, सारी आवाम उसके साथ है, ऐसा ना हो कि मेरी बादशाही ख़तरे में पड़ जाए, तो उसने एक ख़त लिखा, छोटा सा रुका लिखा, और उस पर लिखा क्या, उस पर लिखा कि आपके कमालात बहुत ज़्यादा हैं, आपके कमालात इल्मी कमालात आपके बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन बगदाद की ज़मीन तंग है, यानी आपके कमालात तो बहुत ज़्यादा हैं लेकिन बगदाद की ज़मीन तंग है, बस ये जुमले लिख कर भेज दिए। हज़रत के पास जब पहुँचे तो मुस्कराने लगे, समझ गए इसका मकसद ये है कि वो चाहते हैं कि मैं यहाँ से चला जाऊँ। चुनाचे तीसरे दिन वहाँ से चल पड़े। ये कौन थे जिनको अमीर मोमिनीन फिल हदीस कहा जाता है? अब्दुल्लाह इब्ने मुबारक रहमहुल्लाह तआला। तो एक तरफ इन्होंने इस अंदाज को इख्तियार किया, तकवा का ये अंदाज था, तो अल्लाह तबारक व तआला ने उनको फिर ऐसा नवाजा। अब देखें जिस किताब का हम इख्तिताम कर रहे हैं बुखारी शरीफ का, इसके मुसन्निफ इमाम बुखारी रहमहुल्लाह तआला, अब उन्होंने जब इस किताब को लिखना शुरू किया तो यहाँ पर चंद एक बातें समझें अदब की भी, कितना अदब था, कितना एहतराम था और कितनी एहतियात थी कि इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ताला ने पहले तो अहादीस को याद करना शुरू किया। 6 लाख अहादीस के हाफिज थे, 6 लाख अहादीस उनको ज़बानी याद थी, और फिर उन 6 लाख में से उन्होंने जो इंतखाब किया और अहादीस को यकजा किया किताब के अंदर, तो क्या कमाल तरीका अख्तियार किया। सबसे पहली बात, इस किताब का आगाज़ किया मक्का मुकरमा से, किताब को लिखना शुरू किया मक्का मुकरमा से, और जब किताब मुकम्मल हुई तो इसकी तकमील उन्होंने फरमाई है मदीना मुनव्वरा में। मक्का से किताब को शुरू किया, मदीना मुनव्वरा में इस किताब को मुकम्मल किया। 217 हिजरी से लेकर 233 हिजरी तक 16 साल तक इस काम में मशगूल रहे। यानी ये किताब जो हमारे आपके हाथों में है,
इस किताब को मुरतब करने में, तरतीब देने में इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ताला ने 16 साल लगाए हैं। अब अगली बात देखें कि ये 16 साल इमाम बुखारी जो इस किताब को तरतीब देने में लगाते हैं, बाकायदा तौर पर ये 16 साल उन्होंने रोज़े रखे हैं, 16 साल रोज़े रखे, रोज़े के साथ इस किताब को तरतीब देते रहे। रमज़ान आ रहा है ना जी, तो हम रमज़ान के आखिर में कितनी शिद्दत के साथ इंतज़ार करते हैं, चांद नजर आ जाए बस 29 हो गए बस काफ़ी हैं, ताकि 30 ना हो जाए, और फिर अगर 30 कभी हो भी जाए तो फिर हम पूछते हैं, हमसे पूछते हैं लोग कि क्या करें जी, फलां जगह पे रोज़ा नहीं है, फलां जगह पे रोज़ा नहीं है, तो क्या हम भी रोज़ा छोड़ सकते हैं? चलो खैर है, ईद तो नहीं मनाते, ईद की नमाज़ परसों पढ़ लेंगे, तो कल का रोज़ा हम छोड़ दें? कोई कहता है मैं सऊदी से आया हूँ, मेरे 30 पूरे हो गए हैं, मैं तो ना रखूँ ना, इस किस्म की तावीलें हम करते हैं, यानी एक रोज़ा हमसे नहीं रखा जाता। और 16 साल इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ताला ने इस किताब को तरतीब देने के लिए रोज़े रखे। उसके बाद इस किताब के अंदर जो अहादीस लाए हैं, मुकर्ररात को भी साथ शामिल कर लें तो 9000 अहादीस जमा है इस किताब के अंदर। 9000 अहादीस को जब वो जमा कर रहे थे तो हर हदीस शरीफ को लिखने से पहले गुस्ल करते, गुस्ल करने के बाद 2 रकात नमाज नफल पढ़ते, उसके बाद वो हदीस नकल फरमाते। अब 9000 अहादीस हैं तो इस किताब को लिखने के लिए उन्होंने 9000 मरतबा गुस्ल किया है, और इस किताब को लिखने के लिए 18000 रकातें नमाज की पढ़ी हैं। तो फिर अल्लाह तबारक व तआला ने इस किताब को शर्फ किया, अता किया कि पूरी दुनिया के मुसलमान अहले इल्म इस बात पर मुत्तफिक हैं कि इस धरती पर, इस ज़मीन पर अगर अल्लाह के कलाम कुरान हकीम के बाद कोई सही किताब हो सकती है तो वो किताब सही बुखारी है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस किताब को ये शर्फ भी अता फरमाया और ये फजीलत भी अता फरमाई है। अब यहाँ पर ये समझें कुछ बातें अपने तालिबात के लिए भी अर्ज़ कर दूँ आखिर में कि इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ताला ने जिस हुस्न तरतीब के साथ इस किताब को तरतीब दिया है और जिस अहसन तरीके से और कमाल के साथ उन्होंने अबवाब कायम किए हैं, ये सिर्फ इस किताब को ही ये शर्फ हासिल है, इसके अलावा दूसरी किताब ऐसी कोई नहीं मिलेगी, और ये शर्फ इस उम्मत को हासिल है जिसको ऐसी किताबें मुयस्सर हैं। जिस तरह मैंने शुरू में अर्ज़ किया कि बाकी मज़ाहिब हैं जो आसमानी मज़ाहिब जिनको कहा जाता है, किताबी मज़ाहिब जिनको कहा जाता है, कुरान करीम जिनको अहले किताब कहता है, यहूद और नसारा, उनके पास तौरात का दावा है कि हमारे पास है, नसारा के पास इंजील का दावा है कि हमारे पास इंजील है, हम ईसा अलैहिस्सलाम के पैरोकार हैं, वो कहते हैं हम मूसा अलैहिस्सलाम के पैरोकार हैं, दिखाएँ वो एक किताब हमें जिसको इस अंदाज से तरतीब दिया गया हो। वो एक किताब भी पेश नहीं कर सकते जिसमें मुफस्सल तौर पर उनके उस नबी, उस पैगंबर, उस रसूल जिसका वो कलमा पढ़ते हैं, उनकी ज़िंदगी को और ज़िंदगी के नक्शे को इस अंदाज से पेश किया गया हो अपनी उम्मत के सामने, कहीं नहीं मिलेगा आपको। ये शर्फ सिर्फ मुसलमानों को हासिल है। तो भारत और इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ताला का एक अपना अंदाज़ है, बड़े अहसन तरीके से वो अबवाब को कायम करते हैं, किताबों की तरतीब देते हैं, और फिर उसके कुछ मकासद भी होते हैं, कुछ अखराज भी होती हैं, कुछ वजह भी होती है कि इस हदीस को यहाँ पर वो क्यों लाए हैं, किस मकसद के तहत लाए हैं, क्या साबित करना चाहते हैं, और फिर वो क्या दलील उस पर कायम करते हैं, क्या वो अपने हक में उसे किस तरीके से बतौर दलील के पेश करते हैं और मुखालिफ पर किस तरीके से रद्द करते हैं, ये अपना इनका अंदाज़ है। तो अब यहाँ पर जो हदीस लाए हैं जो कि हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है, तो ये हदीस शरीफ यहाँ पर इमाम बुखारी जो लाए हैं, तो अब देखा जाए तो चूँकि इमाम बुखारी का अपना अंदाज़ है, हर हदीस और हर बाब कायम करने में उनके अपने मबाहिस होते हैं, तो यहाँ पर भी कई मबाहिस हैं, एक नहीं कई मबाहिस यहाँ पर हैं, लेकिन उसमें से सिर्फ एक बहस को सारा
लाइट चली गई। मैं लाइट आ गई, लाइट तो उनमें से एक बहस जो है यहाँ पर वो ये की जाती है कि इमाम बुखारी रहमतुल्लाह तआला इस हदीस शरीफ को आखिर में लाए हैं या इस बाब को आखिर में कायम किया है, तो क्यों फरमाते हैं कि किताब का जो आगाज हुआ था, बुखारी शरीफ का जो आगाज हुआ है वो हुआ है किताबुल ईमान से, और आखिरी जो किताब लाए हैं बुखारी शरीफ में वो है किताबुल तौहीद। आगाज ईमान, किताबुल ईमान, और आखिर में तौहीद को लाए हैं, जबकि तौहीद और ईमान एक ही चीज़ है। तो ये समझे कि आगाज भी ईमान से, तौहीद भी ईमान से। इसमें इंसानी जिंदगी की तरफ इशारा कर रहे हैं कि एक मुसलमान की जिंदगी कैसी होनी चाहिए, मुसलमान की जिंदगी का आगाज कैसे हो और मुसलमान की जिंदगी का इख्तिताम कैसे हो। तो उसके लिए हम देखते हैं कि जब बच्चा पैदा होता है, पैदाइश के बाद हमारे लिए हुक्म क्या है। सबसे पहले यही हुक्म दिया गया है कि उस बच्चे को नहलाने के बाद उसके कानों में तौहीद का तराना गूंजना चाहिए, अज़ान व इक़ामत, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह, ये कलिमात उसके कानों में कही जाती है। अल्लाह तबारक व तआला की तौहीद का पैगाम उसकी दुनिया में आने के पहले दिन उनके उस बच्चे के कानों में पहुंचा दिया जाता है, और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत का ऐलान पहले दिन ही उसके कानों में उसे सुनवा दिया जाता है। और फिर जब इंसान दुनिया से जाने लगता है तो उस वक्त क्या हुक्म है, फरमाया कि जब तुम्हारे मरने वाले मरने के करीब हों तो उनको कलमा तलकीन किया करो, कलमा तलकीन किया करो, यानी आगाज भी ईमान से और इख्तिताम भी ईमान पर। तो इमाम बुखारी रहमतुल्लाह तआला ने किताब का आगाज भी किताबुल ईमान से किया है और किताब का इख्तिताम किताबुल तौहीद से कर रहे हैं, क्योंकि ईमान की जो बड़े अज्जा हैं वो तो तीन ही है ना, जी तौहीद है, रिसालत है और क़यामत है, ये तीन ही है। दूसरा इसको कहा जाता है तालिबात के लिए, अर्ज़ करूँ, इसको कहा जाता है रबतुल आखिर बिल फातिहा या रबतुल खातिमा बिल फातिहा, यानी इख्तिताम का आगाज के साथ रब्त क्या है, ये मुआरज कर रहा हूँ। दूसरी चीज हदीस शरीफ में आता है, सुन्नत करार दिया गया कि सुबह की नमाज जब अदा की जाती है तो फ़राइज से पहले दो रकात सुन्नत अदा की जाती है, और दो रकात सुन्नत में जो मसनून तिलावत है वो पहली रकात में सूरत काफिरून है और दूसरी रकात में सूरतुल इखलास है, ये सुन्नत है। इस तरीके से दो रकात नमाज जो आखिर में शब को पढ़ी जाती है, यानी वितर के बाद आखिरी दो रकात, उसमें फरमाते हैं कि सुन्नत यही है कि पहली रकात में सूरत काफिरून पढ़ी जाए, दूसरी में सूरत इखलास पढ़ी जाए।
और ये दोनों क्या हैं? इनको कहा जाता है तौहीद और इखलास वाली सूरतें, काफिरून और इखलास, तौहीद और इखलास वाली सूरतें। तो यानी दिन का आगाज जब एक मुसलमान करता है सुबह की नमाज से और सुबह फराइज से पहले सुन्नत अदा करता है, तो मुसलमान के दिन का आगाज भी होता है तौहीद और इखलास से, और दिन का जब इख्तिताम करता है, जब सोने की तैयारी करता है, तो उस वक्त भी तौहीद और इखलास वाली सूरतें पढ़कर दिन का इख्तिताम करता है। यानी हर रोज मुसलमान सुबह भी करता है तो तौहीद पर, और अगर शाम करता है तो भी तौहीद पर। यानी जिंदगी एक मुसलमान की तौहीद पर ही गुजरनी चाहिए। बुखारी रहमतुल्लाह तआला किताब के आगाज में भी तौहीद को लाते हैं और किताब के आखिर में भी तौहीद को लाते हैं। तीसरी बात यह कि हदीस शरीफ आपने पढ़ी होगी, बुखारी शरीफ किताबुल जनाइज के अंदर जिल्दों में आपने पढ़ा होगा, वहां पर हदीस शरीफ है, फरमाया कि मन का आखिर कलाम ही ला इलाहा इल्लल्लाह दाखल जन्नत। यानी जिसका आखिरी कलाम ला इलाहा इल्लल्लाह होगा वो सीधा जन्नत में जाएगा। और इमाम मोहम्मद बिन हसन अश्शैबानी रहमहुल्लाह तआला वो अपनी किताब सियर कबीर के अंदर पूरी हदीस को लाते हैं। वो फरमाते हैं कि मन काना अव्वलु कलामी ही ला इलाहा इल्लल्लाह व आखिरु कलामी ही ला इलाहा इल्लल्लाह दखल जन्ना। जिसका पहला कलाम ला इलाहा इल्लल्लाह होगा और आखिरी कलाम भी ला इलाहा इल्लल्लाह होगा वो सीधा जन्नत में जाएगा। तो ईमान है, अव्वल कलाम भी आ गया वो क्या हो, अल्लाह की तौहीद हो, आखिरी कलाम क्या हो वो भी अल्लाह की तौहीद हो, फरमाया कि वो जन्नती है। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह तआला किताब का आगाज करते हैं तो भी अल्लाह की तौहीद से, किताबुल ईमान से, और किताब का इख्तिताम करते हैं तो भी किताबुल तौहीद पर, यानी अल्लाह की तौहीद पर किताब का इख्तिताम हो रहा है कि मुसलमान की ज़िंदगी तौहीद पर ही शुरू हो और तौहीद पर ही उसकी तकमील हो। और यहाँ पर जो आयत लाई है नज़ुल मुआज़िन औज़ान की जो बात की है यहाँ पर, तो किताब का आगाज कहाँ से हुआ, सबसे शुरू में कैफ काना बदउल वही, वही से आगाज हुआ था कि मुसलमान की ज़िंदगी कैसे गुजरनी चाहिए, उसके लिए मालूमात कहाँ से होंगी, वो वही के ज़रिए से अल्लाह के पैगंबर के ज़रिए से ही पहुँचेंगी तुम्हारे तक। यानी आगाज कहाँ से, वही से। हमारे पास हकीकी और कतई इलम जो है वो वही के ज़रिए से हमें हासिल हुआ है, तो उससे आगाज और फिर उसी के मुताबिक इंसान ज़िंदगी गुजारेगा। पूरी किताब के अंदर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अक़वाल अफ़आल को बयान किया गया है, तो सारी तफसील हमारे सामने आ गई, इसके मुताबिक ज़िंदगी गुजरेगी और फिर आखिर में नतीजा क्या होगा। तो फरमाया कि तराजू मीज़ान को कायम किया जाएगा जिसका ताल्लुक क़यामत के दिन से है, और फिर जो आमाल तुमने किए हैं उन आमाल का वहाँ पर वज़न किया जाएगा और उनको तोला जाएगा। तो ये तो हुआ रब्त किताब के इख्तिताम का आगाज के साथ मैंने मुख्तसर अर्ज कर दिया। बाकी इसके अंदर हाँ इल्मुल लुगात भी है, यानी सर्फ नहव भी है, लेकिन वो चूँकि अवामी मजमा ज़्यादा होता है तो इसलिए मैंने मुख्तसरन अर्ज़ कर दिया। और इसमें इसका ताल्लुक इस हदीस का तसव्वुफ़ के साथ भी है, क्योंकि इसके अंदर ज़िक्र भी बताया गया है और तसव्वुफ़ में तो सारा निज़ाम चलता ही अल्लाह के ज़िक्र पर है। तो यहाँ पर बताया गया, फरमाती हैं हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, फरमाती हैं कि क़ौल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कलिमतान हबीबतान लिर्रहमान, फरमाया दो कलमे हैं जो रहमान को बहुत प्यारे हैं, अल्लाह को बहुत पसंद हैं, खफीफतान अललिसान, और ज़बान पर बहुत हल्के, यानी कोई मुशक्क़त बर्दाश्त नहीं करनी पड़ती। अब ये देखिए हदीस शरीफ में ज़रा गौर करें कि यहाँ पे फरमाया गया कलिमतान हबीबतान इलर्रहमान, ऐसे दो कलमे जो रहमान को बहुत प्यारे हैं, यानी अल्लाह को बहुत प्यारे हैं। जब कोई ये कलिमात कोई कहता है तो अल्लाह को बहुत पसंद है।
خفیفتان علی اللسان, زبان پر ہلکے ہیں. اب یہ جملہ آ گیا نا, خفیفتان علی اللسان, زبان پر ہلکے ہیں. اب دیکھیں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ دیکھیں کہ آپ نے یہ بات ارشاد فرمائی, اس کے بعد جو کلمے ہیں وہ کیا ہے, سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. یہ ایسے کلمے ہیں زبان پر ہلکا فرمایا اسے کہ وہ شخص جس کی زبان اٹکتی ہے جب وہ ان کلمات کو پڑھتا ہے زبان نہیں اٹکتی. یہاں پر اکثر جن کی زبان اٹکتی ہے نا وہ ان حروف پہ اٹکتی ہے جس میں میم ہوتا ہے نون ہوتا ہے, اس پہ رک جاتے ہیں, یہاں پر وہ بھی نہیں رکتے. اور دوسرا یہ کہ جو بندہ ان پڑھ ہو وہ بھی بڑی آسانی سے ان کلمات کو یاد کر لیتا ہے. باقی جملوں میں ان سے غلطی ہوتی ہے. اکثر خواتین پوچھتی ہیں نا وظائف, ان کو بتا دیتے ہیں حسبنا اللہ ونعم الوکیل پڑھا کرو, کچھ عرصے بعد آتے ہیں تو کہتے ہیں آپ نے وظیفہ بتایا تھا میں نے اتنے دن پڑھا. کون سا بتایا تھا؟ حسبنا اللہ ونعم الوکیل. میں نے تو یہ نہیں بتایا تھا, حسبنا اللہ ونعم الوکیل, یعنی زبر زیر کا خیال نہیں کرتے. لیکن یہ جملے ایسے ہیں کہ کوئی بھی ان پڑھ عورت ہو مرد ہو اس کو پڑھے نا, زبر زیر کی غلطی کا امکان بھی نہیں ہے. یہاں غلطی کم ہوتی ہے, نہیں ہوتی یہاں پر. اور تیسری بات یہ ہے کہ کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں جن کی زبان توتلی ہوتی ہے, تو وہ توتلی زبان والے بھی ان کلمات کو بڑی آسانی سے ادا کر لیتے ہیں. تو اللہ کے محبوب نے فرمایا کہ خفیفتان علی اللسان, زبان پر بہت ہلکے ہیں, بھاری نہیں ہے, یہاں پر زبان رکے گی نہیں, اٹکے گی نہیں, آسانی سے یاد ہو جائیں گے. اور ساتھ فرمایا کہ اگر زبان پر ہلکے ہیں تو یہ نہ سمجھنا کہ ویسے بھی ہلکے ہیں, فرمایا ایسے نہیں, بلکہ ثقیلتان فی المیزان, میزان میں بہت بھاری ہیں, وزنی ہیں, یعنی وہ ترازو وہ میزان جو قیامت کے دن اعمال کو تولنے کے لیے قائم کیا جائے گا, وہاں پر یہ بہت وزنی نکلیں گے, بہت بھاری نکلیں گے. اور وہ ہے کیا؟ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. جو معلمات حضرات وہ ذرا دیکھ لیں کہ جو بیٹھی ہیں سامعات ہماری, سب سے پڑھوا لیں ایک مرتبہ, سب پڑھ لیں سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. ان کلمات کو ضرور پڑھا کریں, کم از کم ایک تسبیح روزانہ پڑھا کریں, کم از کم ایک تسبیح. میرے خیال میں اگر سکون اطمینان سے پڑھیں تو 5 منٹ لگیں گے, لیکن توجہ دھیان سے پڑھا کریں. اللہ کا نام لے رہے ہیں آپ, توجہ ہونی چاہیے. مثال کے طور پر اگر آپ کسی سے بات کر رہے ہیں اور آپ کی توجہ کہیں اور ہے تو وہ بات سننے والا کہے گا یار میری طرف دیکھو, مجھ سے بات کر رہے ہو تو کیا کر رہے ہو, کبھی اس طرف دیکھتے ہو کبھی اس طرف دیکھتے ہو, مجھ سے صحیح بات کرو. یعنی اس کو برا لگے گا کہ بات مجھ سے کر رہا ہے, دیکھ کہیں اور رہا ہے, ہاتھ کہیں اور مشغول ہے, آنکھیں کہیں اور مشغول ہیں, کان دوسرے کی طرف لگایا ہوا ہے. تو جس طرح ہم اچھا نہیں سمجھتے, تو اللہ کا جب ذکر کرتے ہیں اور ہمارے ہاتھ کان کہیں اور مصروف ہوں, یا ہماری انگلیاں جو ہیں وہ موبائل فون پر کھیل رہی ہوں اور ہماری سوچ کہیں اور پہ ہو, آنکھوں سے کچھ اور دیکھ رہے ہیں, تو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی فرماتے ہیں میرے بندے جب مجھ سے رابطہ کرتے ہو تو پھر ادھر ادھر نہ دیکھا کرو, جب مجھ سے رابطہ کرتے ہو میں تمہاری طرف متوجہ ہو جاتا ہوں تو پھر میرے ساتھ ہی تعلق کو جوڑ لیا کرو. آج جو کہتے ہیں نا وظائف بہت پڑے لیکن کام نہیں بنا, اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ توجہ نہیں ہوتی. ہم اللہ رب العزت کی بارگاہ میں حاضر ہو کر بیٹھ کر بھی وہاں پر بظاہر تو موجود ہوتے ہیں لیکن اندر ہمارے غفلت تاری ہوتی ہے. تو جب ہم غفلت کو نکال کر بیٹھیں گے تو پھر ایک مرتبہ کلمہ زبان سے نکل گیا اس سے بھی کام بن جاتا ہے. آج کی کتاب کے اختتام پر جو حدیث شریف ہے وہ ذکر سے متعلق بھی ہے, اس لیے کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ایک مسلمان کی زبان ہر وقت اللہ کی یاد اور اللہ کے ذکر سے تر رہے. اور جہاں باقی تسبیحات آپ پڑھتے ہیں درود شریف استغفار پڑھتے ہیں تو ایک تسبیح کم از کم سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم پڑھ لیا کریں. اللہ تبارک و تعالیٰ